इंदौर की स्वर अलाप सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा 31 दिसंबर को इंदौर के आस्था वृद्धा जन आश्रम में ऑर्केस्ट्रा को इंदौर लाने वाले पहले व्यक्ति प्रभात चटर्जी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कई ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने उनके सम्मान में मनभावन प्रस्तुतियां भी दी। इंदौर कला प्रेमियों का शहर है और देश में कई बड़े कलाकार इंदौर से निकले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर में सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा लाने वाले प्रभात चटर्जी की, जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा उन्हें खोजकर उनको आज इंदौर के आस्था वृद्धाजन आश्रम में सम्मानित किया गया। दरअसल प्रभात चटर्जी इंदौर के पहले व्यक्ति थे जिनके ऑर्केस्ट्रा को सुनने के लिए लाइन लगती थी, और इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर के आसपास से बड़ी संख्या में श्रोता उनको सुनने आते थे। ऐसे तारतम्य में सामाजिक न्याय विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आश्रम की अध्यक्ष मनीषा सोजतिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह भी आने वाले थे, लेकिन अपनी व्यस्तता से चलते कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आश्रम में आने के पहले चटर्जी की हालत बहुत खराब थी, फिलहाल आश्रम संस्था में देखरेख के चलते उनकी हालत में काफी सुधार आ रहा है। सम्मान किया है ये, आज किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? इतने पुराने आर्टिस्ट का सम्मान किया आपने। 40 साल पहले किसी कलाकार का सम्मान करना वैसे बहुत गर्व की बात है, और वो आज हमें अभी मिला है तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इवन पूरी आस्था आश्रम की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें इस काबिल समझा। कैसे प्रेरणा मिली कि इनका सम्मान करना चाहिए आज इस मौके पर? आश्रम में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रेरणा की, यदि जो आश्रम में आता है तो उसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हर कलाकार का, हर व्यक्ति का, हर व्यक्तित्व का सम्मान करना जानता है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, जिस तरह के उपेक्षित जीवन जी रहे थे? जो जीवन इन्होंने जिया है, हम चाहते हैं कि यहाँ रह करके जो कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, जो भी इन्होंने अपनी जिंदगी में उपेक्षाएं सहन की है, चाहती हूँ, सबसे आशा करती हूँ कि सभी इनका साथ दें और उन उपेक्षाओं से इन्हें दूर कर दें। आप कैसे मदद करेंगे इनकी, कर रहे हैं कोई मदद? आश्रम की तरफ से सारी मदद की जा रही है, जितना अच्छे से अच्छा हम लोग यहाँ रख पा रहे हैं, ध्यान रख पा रहे हैं, उतना हम लोग पूरा इनके लिए कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मनीषा सोजतिया जी। मैडम, आज इनका सम्मान किया है, किस तरह से आगे इनकी मदद करते रहे? इस तरह से एक संगीत को ऊंचा बना सकता है ये, कहीं ना कहीं प्रभात चटर्जी ने इंदौर की जो एक मिजाज है उस मिजाज को बरसों पहले जिंदा किया था, जो आज सभी लोग उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिन्होंने एक सूरज की तरह उग के पूरे आसमान में पूरे इंदौर का नाम रोशन किया, पूरे देश में इनका जो ग्रुप जाता था वो जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये गुमनामी के अंधेरों में थे, तो उनके शिष्य कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी, मैं कहूँ कि गुड्डू भैया ने इस तरह से उनको गुमनामी के अंधेरे से निकाला कि जो एक एक दाने को, एक एक निवाले को तरस रहे थे, उस जगह से लाकर, और शासन ने जब मदद की, हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने, और पूरा प्रशासन इसमें जुट गया, तो इंदौर कितना अच्छी भावना से लोगों के लिए खड़ा है, क्योंकि इंदौर यूं ही नंबर वन नहीं है। इंदौर ने एक संवेदनशील होने में भी नंबर वन दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति, वो हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन प्रभात जी जैसे कलाकार के लिए भी हर इंदौरवासी का दिल कितना तेजी से धड़कता है, कितनी उनकी मासूमियत, उनकी कला को उसी स्थान पर रखने के लिए ये जो आज आयोजन किया है। तो संस्था स्वर अलाप और आस्था आश्रम ने जो ये किया है, मनीषा जी ने इसमें प्रभात जी का बहुत ध्यान रखा है, आस्था आश्रम के परिवार ने पूरा अपनाया है, और पूरा इंदौर ने प्रभात जी को अपनाया है। बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना।
इस दौरान प्रभात जी ने कलेक्टर द्वारा दिए गए सम्मान को लेकर धन्यवाद दिया और अपने अंदाज में उन्होंने अपने पुराने किस्से भी श्रोताओं को सुनाए। साथ ही अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्होंने कुछ नगमे भी सुनाए। एक्सटेंशन प्रभात चटर्जी वाली गाने की और साथ में वो हारमोनियम वगैरह बजा रहे हैं उसकी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।